लेके जाते हैं, आपकी जिम्मेवारी है, उनकी भी जिम्मेवारी है। इतनी शानदार योजना हम देते हैं, अगर आपके कलम चल जाए तो गरीब का भला हो जाए। अभी मैं कैंप लगवा रहा हूँ, क्यों लगवा रहा हूँ, क्योंकि 70% तक ही जनता के पास नहीं पहुंचती सरकार की, विज्ञापन दे दो कुछ भी कर दो तभी नहीं पहुंचती। अब कैंप में क्या हुआ, जो कैंप में आएगा उसको लाभ मिलेगा, वो घर निकाल के जाएगा। अभी तक मैं समझता हूँ बहुत कम समय में जो प्रोग्रेस हुई है वो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि स्कीमें एक से एक शानदार है। चार पांच स्कीमें ऐसी है जो हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान में ही है। और 25 लाख का बीमा है, किसे कहते हैं 25 लाख का बीमा प्रीमियम हम भर रहे हैं, पत्रकारों का प्रीमियम हम भर रहे हैं, उनको श्रेणी में दिया गया जहाँ आपका इतने पैसा देने लगे। तो 25 लाख तक इलाज फ्री, और उससे बड़ा काम भी हुआ है स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बनना। इसका मतलब है कि सरकार जनवर ही है आप सबके, आपके मतलब आप यहाँ बैठे उनके नहीं, प्रदेशवासियों के आप सबको गलत समझ जाएगा, प्रदेश के लिए कह रहे हैं, पूरे प्रदेशवासियों की जिम्मेवारी हमारी है। सरकारी कर्मचारी वो पी तो छोड़ो, वो पी के अलावा RGS जो दिया हमने, आप पूछिए कि सरकारी कर्मचारी हो RGS में और पहली व्यवस्था में क्या फर्क है, तो मालूम पड़ेगा कि आज उनको कितना आराम हो गया। तो हर चीज का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने आगे फैसले किए, और उसका असर भी है समाज के ऊपर। मैं समझता हूँ कि बहुत कोशिश की गई और उसका लाभ सबको मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी सरकार कर रही है उसमें आपकी भागीदारी होना बहुत जरूरी है। जैसे आप पता ही कोरोना आया था, कोरोना के अंदर पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा करी मेडिकल डॉक्टर नर्सेज जो हैं उन लोगों के लिए अगर उनकी डेथ हो गई ड्यूटी पर 50 लाख मिलेंगे करीब। उसके साथ ही एक दो दिन में मेरे ख्याल से मैंने घोषणा करी कि राजस्थान में अगर कोई डेथ हो गई ऑन ड्यूटी तो मेडिकल फैसिलिटी के साथ में सरकारी कर्मचारी कोई हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल क्यों नहीं हो, क्लर्क क्यों नहीं हो, चपरासी क्यों नहीं हो, सबके लिए। और साथ में मैंने पत्रकारों के लिए भी करी, करीब 4.5-5 करोड़ रुपये 9-10 पत्रकारों को पैसे मिले उसके अंतर्गत 50-50 लाख मिले। तो एक सोच की बात है कि सोच रख करके हम लोगों ने सरकारी कर्मचारी भी तो अगर वो सेवा कर रहा है ड्यूटी पर, कोरोना के ग्रसित हो गया, डेथ हो गई, तो वो भी तो इंसान है। तो इस प्रकार के जो फैसले हमने किए इस तरफ उनका लाभ मिला। उससे प्लॉट देने की बात जो की अभी भी आप लोग डिमांड करते रहते हैं लगातार, मैं जानीवाली को कहा अभी 5-6 दिन पहले रफीक जी को, मैंने कहा भाई आप जरा कोऑर्डिनेट कर लें जो भी है वो एक फैसला हो जाए। पहले हाईकोर्ट चले गए, पिछली बार सरकार थी हमारी तो करीब करीब फैसला हो गया था, जगह तय हो गई थी, जगह आपने बदलवाई, उसके बाद वो फिर उससे गया और वो मिले नहीं प्लॉट, जबकि उदयपुर में अलवर में कई जगह तो मिल चुके हैं प्लॉट, उनको कोई शिकायत नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जो आपकी डिमांड बता रहे थे कमलेश को विशेष देती वो उनको दिफा देंगे और मांगे पैदा करो, पैदा तब करोगे तब आप उसके गहरे में जाओगे कि हमें किस प्रकार से जो संगठन हमारा बना हुआ है। मैंने कहा 2 साल हो गए मुझे कहते कि अधिवेशन बुलाओ, कमले इसमें तुम्हारी गलती रही है, तो तुमने मुझे एक दो बार मुझे कहा भी होगा, पर ये पिताजी जो करते थे ना तो कम से कम लोग आके बैठते थे। आज तो मैं भी लेट आया हूँ आपके बीच में, मुझे नहीं मानता आप।